यूपी में बिजनौर की अदालत में हुई गोलाबारी और उन्नाव बलात्कार पीड़िता को जलाए जाने की घटनाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि दोनों ही घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, इन्हें सरकार रोकेगी। योगी विधानसभा में विपक्ष के नियम 56 के तहत दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में कहा, बिजनौर जैसी घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता, अदालत की सुरक्षा के लिए सरकार के पास कार्य योजना है। योगी ने कहा कि बिजनौर जैसी घटनाओं को सरकार रोकेगी। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, महिलाओं और पूरे प्रदेश की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। योगी ने कहा कि हर बेटी और बहन की सुरक्षा, हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदार सरकार है। किसी को अराजकता फैलाने की छूट सरकार हरगिज नहीं देगी। आपके गुंडा राज को, आपके अराजकतापूर्ण शासन को इस प्रदेश ने भी देखा है, देश ने भी झेला है, और अयोध्या ने तो सर्वाधिक झेला है, सर्वाधिक झेला है। कौन ऐसा जिला है, कौन ऐसा कस्बा, ये लखनऊ में ही आपने देखा होगा, सभी क्रांतिकारियों के मूर्तियों को तोड़ दिया गया था, ये मौन बने हुए थे, किम कर्तव्य विमूढ़ बने हुए थे। आज तो नहीं हो सकता है, हमने गुंडों को छूट नहीं दी है, उपद्रवियों को कोई छूट नहीं दी है, और दो टुक कह दिया है कि देखिए सम्मान सबका, सुरक्षा भी सबका करेंगे। गुंडागर्दी करोगे तो गुंडागर्दी को फिर उसी भाषा में पुलिस भी जवाब देगी, और उसी शक्ति के साथ शासन उसको कुचलने का भी कार्य करेगी, चाहे वह कोई भी हो, कहीं का भी हो। दुष्कर्मियों को 1 महीने के अंदर सजा दिलाई गई है, जो इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं और जिनके द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। घटनाएं कोई भी हो, उसके पक्ष में कभी भी दलील नहीं दी जानी चाहिए। अपराध अपराध है और अपराधी को सख्त सजा हर हाल में मिलनी चाहिए। सरकार इस बात की पक्षधर है।